चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक समझा था, जो था प्रो राटा शेयर्स के बारे में हमने समझा था, जिसमें समझा था ना कि कितनी बार कंपनी को एप्लीकेशन जब मिलती है ना, तो उस एप्लीकेशन के पैसों में से कुछ एप्लीकेशन के पैसे वो रिटर्न नहीं करते, और जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनके वो पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। पैसे उन्हें रिटर्न करने चाहिए लेकिन वो रिटर्न नहीं करते, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त जो है वो उनके पैसे एडजस्ट कर देते हैं, तो उसे प्रो राटा शेयर्स कहते हैं। इसके बारे में कल हमने समझा था ना, क्वेश्चन नंबर 19 उसका एग्जाम्पल भी हमने समझा था, और आज हमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखना है। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो और समझो उसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑफ भरूच इश्यू 4,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर, अमाउंट कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर, ऐसे दिए हुए हैं इनमें। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक ऑफ 6,20,000 शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ 4,50,000 शेयर्स वॉज मेड ऑन प्रो राटा टू 5,40,000 शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन बाय रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिफंडेड बाय कंपनी। 5,40,000 में से 4,50,000 को प्रो राटा बेसिस पर रखा है उन्होंने, और बाकी के एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, महेश टू होम 1,000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड ऑल द शेयर वर रीइश्यू एट ₹5 पर शेयर। अब देखो, इसमें तो आखिरी में वो कॉल सिनेरियोस और जो है वो फॉरफीचर शेयर्स की भी एंट्री आएगी इसमें, ठीक है ना। प्रो राटा की एंट्री भी है, फॉरफीचर की एंट्री भी है, कॉल इन एरियाज की एंट्रीज भी है, सब एंट्रीज मिक्स है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझना। तो जब ऐसा प्रो राटा का अब जो है वो क्वेश्चन आए ना, आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, तो उनमें ना रफ में पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर दिया करो कि देखो एप्लीकेशन हमें कितनी मिली। तो एप्लीकेशन मिली 6,20,000 शेयर्स की, भले हमारे पास 4,50,000 शेयर्स ही थे, कितने थे 4,50,000 शेयर्स, लेकिन उसमें से 6,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। जिस एप्लीकेशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कल मैंने रूल्स लिखवाए थे, उस रूल्स में भी मैंने थ्री पार्ट्स करवाए थे कि एप्लीकेशन में ये तीन पार्ट की एंट्री करते हैं। थ्री पार्ट्स में एक होता है फुल्ली रिजेक्ट, कितने हमने रिजेक्ट किए वो, एक होता है फुल्ली एक्सेप्ट, और एक होता है प्रो राटा, ठीक है ना, प्रो राटा शेयर्स। एंट्रीज भी तो ये तीन ही करते हैं ना एप्लीकेशन के वक्त, बरोबर ना, कितने फुल्ली रिजेक्ट किए, कितने फुल्ली एक्सेप्ट किए और कितने प्रो राटा शेयर्स। अब फुल्ली कितने रिजेक्ट किए वो कुछ दिया नहीं हुआ है इसमें, खाली जो वो दिया हुआ है 540 में से 4,50,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पर रखे हैं उन्होंने, एंड अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन बाय रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिफंडेड बाय कंपनी, बाकी के पैसे उन्होंने रिफंड कर दिए, बरोबर। तो कितने उन्होंने, कितने रिफंड किए वो नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे करते हैं, देखो फुल्ली एक्सेप्ट हो, फुल्ली एक्सेप्ट अगर है तो फुल्ली एक्सेप्ट में हमेशा इश्यूड शेयर्स आते हैं, कल भी मैंने बताया था ना, जो फुल्ली एक्सेप्ट हो उसमें इश्यूड शेयर आते हैं, कितने हैं 4,50,000, तो 4,50,000 तो उन्हें फुल्ली एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे ना, इतने शेयर्स, ये सब शेयर्स के बारे में चल रहा है, फुल्ली एक्सेप्ट शेयर्स हैं या फुल्ली रिजेक्ट शेयर्स हैं, अमाउंट नहीं। 4,50,000 तो उन्हें फुल्ली एक्सेप्ट करने हैं, प्रो राटा उन्होंने कितने रखे हैं, तो 5,40,000 में से 4,50,000 एक्सेप्ट किए हैं, बाकी के पैसे रिटर्न नहीं किए, बाकी के प्रो राटा बेसिस पर रखे हैं, पता है ना, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, प्रो राटा बेस पर रखे। तो 540 में से 450 अगर जो है वो माइनस करें, 5,40,000 में से 4,50,000 जो है वो अगर माइनस करें तो बाकी होते हैं 90,000 शेयर्स, ये 90,000 प्रो राटा शेयर्स हुए। तो देखो 6,20,000 में से 450 फुल्ली एक्सेप्ट होते हैं, 90,000 प्रो राटा में हुए, तो बाकी के फुल्ली रिजेक्ट होंगे ना, बरोबर ना, ऐसे ही करेंगे ना। 6,20,000 की एप्लीकेशन मिली जिसमें से 450 फुल्ली एक्सेप्ट प्लस 90,000 प्रो राटा, तो 450 और 90,000 5,40,000 वो इतने हो गए, तो 5,40,000 और 620 कितने का डिफरेंस हुआ,
छः और दो आठ है, 80,000, 80,000 का डिफरेंस हुआ, वो 80,000 फुल्ली रिजेक्ट कर दिए, बरबर ना, 80,000 शेयर्स जो है वो फुल्ली रिजेक्ट कर दिए हमने, ठीक है, प्रो राटा में ये चीज ध्यान रखना। फिर से आखिरी बार समझा रहा हूँ, 6,20,000 शेयर्स थे, उसमें से पहले फुल्ली एक्सेप्ट माइंड में रख दिया करो, फुल्ली एक्सेप्ट तो जो इश्यूड शेयर्स होते हैं वही एक्सेप्ट करने होने, 100% फुल्ली एक्सेप्ट में यही 4,50,000 इश्यूड शेयर्स हैं, फुल्ली एक्सेप्ट वही होंगे। प्रो राटा शेयर्स में जो डिफरेंस हो माइनस हो वो माइनस करके लिखते हैं, भाई 5,40,000 में से 4,50,000 जो है वो प्रो राटा बेस पर रखे हैं, तो 540 में से 450 जो है वो एक्सेप्ट किए, बाकी के 90,000 के पैसे वापस नहीं दिए, वो प्रो राटा। तो बाकी कितने शेयर्स हुए, 620 में से ये दोनों गिन लो तो बाकी के 80,000 वो फुल्ली रिजेक्ट कर दिए होंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो जाए, अब हमें एंट्रीज करनी है, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, कि जैसे सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन में जैसे सबसे पहले पैसे मिले हमें, तो पैसे मिले तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने, तो 6,20,000 पहले एप्लीकेशन तो पूरी मिली ना हमें 6,20,000 की, 6,20,000 के कितने हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपए, 6,20,000 के 3 रुपीज मतलब कितने हो जाएंगे उसमें, उसमें हो जाएंगे 18,60,000 रुपीज, 18,60,000 रुपीज, बरबर, ये पैसे मिले। अब उनके बाद तीन एंट्री करते हैं, फुल्ली रिजेक्ट कितने किए, फुल्ली एक्सेप्ट कितने किए, प्रो राटा कितने रखे, बरबर, ये तीन एंट्री उसमें, उसमें फुल्ली रिजेक्ट कितने किए, 80,000 शेयर्स, तो फुल्ली रिजेक्ट किए उसकी एंट्री करते हैं, कल रूल में लिखवाया था बेटा, वो एंट्रीज याद रखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के जो फुल्ली रिजेक्ट किए हमने, कितने रिजेक्ट किए हमने फुल्ली, तो वो 80,000 शेयर्स रिजेक्ट किए, 80,000 के 3 रुपीज वो रिजेक्ट कर दिए, ये यहाँ लिख देते हैं तो इसी रहेगा ना, 80,000 के 3 रुपीज हमने रिजेक्ट किए, मतलब 2,40,000 उनके पैसे वापस। फिर जो फुल्ली एक्सेप्ट किए, वो फुल्ली एक्सेप्ट जिसके किए उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें फुल्ली एक्सेप्ट कितने, 4,50,000 शेयर्स, 4,50,000 के 3 रुपीज जो है वो एक्सेप्ट किए, 4,50,000 के 3 रुपीज अगर कहो तो 13,50,000, 13,50,000 वो एक्सेप्ट किए हमने, बाकी के प्रो राटा में रखे हैं, बाकी के प्रो राटा में रखे हमने, तो प्रो राटा की एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि अलॉटमेंट के पैसे हमने एडवांस में रख दिए प्रो राटा में, कितने प्रो राटा में रखे, 90,000 शेयर्स के 3 रुपीज, 90,000 शेयर्स वो हमने प्रो राटा में रखे ना, तो 90,000 के 3 रुपीज मतलब 2,70,000, बरबर, 2,70,000 जो है वो हमने प्रो राटा बेसिस पर रख दिए, ये हो गया एप्लीकेशन खत्म, ये एप्लीकेशन की बारी खत्म, प्रो राटा की एंट्री खत्म। अब अलॉटमेंट कॉल उन सब में तो नॉर्मल एंट्री आती है, ठीक है, माइंड में रखना, ये प्रो राटा कैसे करना है ये खाली ध्यान रखना, आगे सब चीजें तो सेम है। अब अलॉटमेंट की बारी, अलॉटमेंट में वही करते हैं, सबसे पहले पैसे मंगवाए, अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगवाए हैं, 3 रुपए, 3 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट के, तो सबसे पहले पैसे मंगवाना उसकी एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें 4,50,000 शेयर्स के 3 रुपीज हमने मंगवाए थे, 450 पे ही काम चलेगा ना, 450 के 3 रुपीज मतलब 13,50,000 जो है वो हमने मंगवाए, ठीक है। फिर अलॉटमेंट के पैसे मिले, जो मंगवाए तो फिर उसके पैसे मिले, अलॉटमेंट के पैसे मिले तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें पूरे पैसे मिलेंगे, जो हमने 13,50,000 मंगवाए वो पूरे मिलेंगे,
नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें इतने तो हमने एडवांस में रख दिए थे ना, प्रो राटा बेसिस पर शेयर अलॉटमेंट के रख दिए थे, तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे ना अब, बरोबर ना। मतलब के 4,50,000 शेयर्स के 3 रुपीज हमने मंगवाए हैं, लेकिन उसमें से माइनस 90,000 के 3 रुपीज, 90,000 शेयर्स के 3 रुपीज जो है वो हम लोग अलॉटमेंट में रख देंगे, मतलब जो प्रो राटा बेसिस पर रखे थे। मतलब कितने हो जाएंगे अगर रफ में कहें, यहाँ पे करता हूँ कि 13,50,000 शेयर्स के पैसे थे, उसमें से माइनस 2,70,000 के नहीं मिलेंगे, तो बाकी जो है वो कितने मिलेंगे यहाँ पर, तो वो मिलेंगे 10,80,000। कितने? 10,80,000, क्योंकि बाकी तो एडवांस में पहले ही मिल चुके थे। ये हमारा अलॉटमेंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये अलॉटमेंट क्लियर हो गया हमारा। सिंपल, यहाँ प्रो राटा हो चुका था, तो अब ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई ना, पहले पैसे मंगवाए फिर पैसे मिले। अब अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की भी वही एंट्री, पहले पैसे मंगवाना फिर उसके पैसे मिलना। तो फर्स्ट कॉल में कितने मंगवाए हैं उन्होंने? 2 रुपए मंगवाए हैं। तो फर्स्ट कॉल में पहले पैसे मंगवाना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें 4,50,000 के 2 रुपीज हमने मंगवाए हैं, मतलब हो जाएंगे 9 लाख, 9 लाख हमने मंगवाए। फिर दूसरी एंट्री के फर्स्ट कॉल के पैसे मिल जाना, पैसे मिले तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे ही मिले ना, फर्स्ट कॉल के तो पूरे ही मिले ना, फाइनल कॉल में नहीं मिले थे, तो उसमें फिर जो है वो एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट कॉल की तो पूरे पैसे मिल गए, मतलब 4,50,000 के 2 रुपीज हमें मिल चुके हैं, मतलब के 9 लाख मिल गए हमें पूरे, 9 लाख मिल गए। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म, दो ही एंट्री ना, पैसे मंगवाना और पैसे मिलना, सिंपल। अब उसके बाद फाइनल कॉल की बारी। फाइनल कॉल में भी पहले जो है वो पैसे मंगवाना, एंट्री तो वैसे ही आएगी कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितने रुपए मंगवाए थे? 2 रुपए, 2 रुपए मंगवाए थे, मतलब के 4,50,000 के 2 रुपीज जो है वो हमने मंगवाए, तो कितने? 9 लाख, 9 लाख जो है वो हमने मंगवाए। दूसरा, उनके पैसे मिलना, पैसे मिलना उनके, तो पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे मिले नहीं मिले, यहां पर नहीं मिले। जो 1,000 शेयर था महेश के पास, उसने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो उसके शेयर फिर फॉरफीचर किए थे ना हमने, तो पहले तो उसने पैसे नहीं दिए, तो 4,50,000 शेयर्स के 2 रुपीज हमने मंगवाए थे, लेकिन उसमें से माइनस 1,000 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं मिले, मतलब 2,000 नहीं मिले। तो 9 लाख में से अगर 2,000 नहीं मिले, तो बाकी कितने होंगे? 8,98,000 जो है वो हमें मिले, 8,98,000 इतने पैसे मिले ना हमें, बरबर ना। और जो 2,000 नहीं मिले, तो उसे कहाँ लिखते हैं? उसे कॉल सिनेरियोज में, कि कॉल्स इन जो न मिले तो उसे हमेशा यही लिखते हैं ना, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जिसके अंदर 1,000 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं दिए महेश ने, तो वो लिखेंगे यहां पर 2,000, बराबर। ये हो गया। और ये जो 2,000 रुपए नहीं मिले ना, 1,000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, तो उसको फॉर फीचर किया है ना, अब आखिरी में फॉर फीचर की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना। ये फाइनल कॉल खत्म हो गया, अब जो है वो फॉर फीचर की एंट्री करें, वो एंट्री हमें बतानी पड़ेगी। तो फॉर फीचर के तो वो अलग रूल बताए थे, पता है 3 एंट्रीज आती हैं फॉर फीचर की। पहले फॉर फीचर करना, जब्त करना, दूसरा उसे रीइश्यू करना, और तीसरा अगर कुछ बचे तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, बरोबर। फॉर फीचर की वो 3 एंट्रीज आती है ना, तो वही एंट्री करें। सबसे पहले,
सबसे पहले उसे जब्त करना, फॉरफीचर करना। तो एंट्री करते हैं उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इसमें कोई प्रीमियम तो है नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो इसमें कुछ आएगा नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर अकाउंट, फॉरफीचर शेयर में जितने पैसे मिले वो लिखते हैं, और साथ में लिखते हैं जिसके पैसे नहीं मिले। तो किसके नहीं मिले? खाली फाइनल कॉल के नहीं मिले थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सिर्फ फाइनल कॉल ही लिखेंगे ना, जिसके पैसे नहीं मिले वो, ठीक है। और इनमें अमाउंट लिखे ना, तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू मतलब के पूरी वैल्यू लिखी जाती है, 10 रुपए। तो 1,000 शेयर के 10 रुपए यहाँ पर लिखे जाएंगे, 1,000 शेयर ही ना, उसे ही तो फोर फीचर किया है। तो 1,000 शेयर के 10 रुपीज कितने हो जाएंगे? 10,000। फिर यहाँ फॉर फीचर शेयर, फॉर फीचर शेयर में जितने पैसे मिले वो लिखते हैं। फॉर फीचर शेयर में जितने पैसे मिले वो, तो कितने मिले थे? देखो उसने ना खाली फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए थे, बाकी तो सब उसने दिए ना। मतलब 10 रुपए में से 2 रुपए उसने नहीं दिए थे, बाकी 8 रुपए तो उसने दिए थे ना, वो 8 रुपए हमने जब्त कर लिए ना, बराबर ना। मतलब फॉर फीचर शेयर में 1,000 शेयर के 8 रुपीज आ जाएंगे, 8,000 रुपीज। और यहाँ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल जिसके पैसे नहीं मिले हमें, तो फाइनल कॉल के 1,000 शेयर के 2 रुपीज नहीं मिले, वो 2,000 रुपीज, बराबर। ये एंट्रीज हो जाएगी ना, ये फॉर फीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद कौन सी एंट्री करते हैं? री इश्यू करना। अब री इश्यू के लिए भी मैंने लिखवाया था कि कैसे री इश्यू किया है, एट पर, एट प्रीमियम, के एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपए का शेयर, उन्होंने 5 रुपए में दे दिया, 5 रुपए में री इश्यू कर दिया, मतलब डिस्काउंट पे हुआ ना, बराबर ना, डिस्काउंट पे हुआ। तो वो एंट्री करते हैं कि शेयर, सॉरी, री इश्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बरबर। जहां पर जो अमाउंट लिखे ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अमाउंट लिखी जाती है जितने पैसे मिले, जितने में री इश्यू किया, कितने में? 5 रुपए में। 5 रुपए में री इश्यू किया, तो यहाँ बैंक में लिखेंगे 1,000 शेयर के 5 रुपीज, 1,000 के 5 रुपीज कितने हो जाएंगे? 5,000, 5,000 रुपीज उसमें हो जाएंगे। फिर फॉर फीचर शेयर अकाउंट, फॉर फीचर में जितना डिस्काउंट दिया, देखो 5 में दिया है तो बाकी 5 रुपए का डिस्काउंट होगा ना, बराबर ना। फॉर फीचर शेयर में डिस्काउंट, तो 1,000 शेयर के 5 रुपीज ही लिखेंगे उसमें, डिस्काउंट भी 5 रुपीज का, तो मतलब यहाँ पर भी 5,000। और शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो पूरे 10 रुपए, 1,000 शेयर के 10 रुपए, मतलब 10,000 रुपीज, बराबर। ये एंट्री हो गई ना, ये री इश्यू हो गया। और फिर बाकी क्या करते हैं? बाकी अगर कुछ पैसे बचे तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। देखो फॉर फीचर में 8,000 हमने जब्त किए थे, उसमें से डिस्काउंट दिया हमने 5,000 का, तो बाकी 3,000 बचे ना अभी भी हमारे पास, बरबर ना। ये जो 8,000 जब्त किए, उसमें से 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी के 3,000 वो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जिसकी एंट्री करते हैं कि फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने ट्रांसफर किए हमने? तो 3,000 रुपीज, बरबर, 3,000 रुपीज वो रिजर्व में ट्रांसफर, ठीक है। ये सम कंप्लीट ना, हमने सभी सिचुएशन क्लियर की। पहले एप्लीकेशन के वक्त तो प्रो राटा की सिचुएशन क्लियर की, फिर अलॉटमेंट की सिचुएशन, उसमें जो पैसे न मिले थे वो, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और फिर उसका फॉर फीचर किया हमने। सब सिचुएशन हुई ना, ऐसे होता है ना, ये 8 मार्क का पूरा क्वेश्चन आ सकता है ना आपका, सभी एंट्रीज एक साथ, ठीक है। और देखो ऐसे सम करो ना, माइंड में एक एक सिचुएशन ही क्लियर करो, पहले एप्लीकेशन क्लियर करो। जब एप्लीकेशन क्लियर करो तब आगे का कुछ मत सोचो, बस एप्लीकेशन में क्या एंट्री आती है वो याद रखो, फिर अलॉटमेंट में क्या करना है वो याद रखो। एक एक सिचुएशन अलग अलग याद रखोगे ना, तो सम परफेक्ट होता जाएगा आपका, ठीक है। ये सम भी अच्छी तरह से बिना देखे लिख लो आप लोग, फिर जो आगे के सम्स, आगे के क्वेश्चंस आएंगे, अब यही टॉपिक होंगे, तो
लास्ट के जो चार क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन में अब यही टॉपिक होंगे। अभी तक जितने भी रूल्स लिखवाए सब रूल्स मिक्स, अब कोई नया रूल नहीं आएगा, बरोबर ना? तो ध्यान से ऐसे लिखना, जो नेक्स्ट सम्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।